हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो, तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे। देवी, मांगो क्या चाहिए, हम तुम्हें वचन देते हैं जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए, अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए, मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे, असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है या वो भी भूल गए? हाँ हाँ याद है, ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई, वहां आपकी सेवा शुश्रूषा की, उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था, याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं, जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी, मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। हाँ हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज मेरे ये 2 वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो, हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा? हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ, जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है
जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो, तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है, प्रजा राम का राज्य अभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूं, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो दो वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्योछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे दो वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों झुक गया महाराज? मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कह गई, जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूं महाराज मैं क्या मांग रही हूं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कहके थोड़ा सा चना चबे ना मांगेगी? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं, एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूं? कह गई, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा,
कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोल कर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कहके की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय, किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष खोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है, मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा, दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कहके जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। भगवान, तूने मुझे कहां कुठोर लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? हे राम,
जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? नहीं, ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता के भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो 2 वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो 2 वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए।